सिंगिया में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक को नहीं आने से सरकार का बदनामी हो रही है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया प्रखंड के राजद के प्रखंड अध्यक्ष गरीब मांझी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सिंगिया प्रखंड क्षेत्र में सरकारी विद्यालय में घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। शिक्षक लोग समय पर विद्यालय नहीं आते जाते हैं और मध्याह्न भोजन में भी कोताही बढ़ती जा रही है, जिससे मेरे सरकार की बदनामी हो रही है। इसलिए सिंगिया प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक को जांच करने आना चाहिए। उनको आने के बाद ही सिंगिया प्रखंड के विद्यालय में सुधार हो सकता है। अध्यक्ष हैं और आपकी सरकार है बिहार में, शिक्षा व्यवस्था सिंगिया प्रखंड बहुत जो है सबसे बदतर स्थिति बनी हुई है, क्या कहना है आपका? इसके लिए हम एक दो विद्यालय पर गए, जहाँ एक्सेंट विभाग था, बहुत शिक्षक नहीं था, बच्चे लोग स्कूल में इधर उधर भटक रहा था। इस पर हम एक जगह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को फोन भी किए थे। ये सालेपुर अंतर्गत बलुआ ग्राम से जो आपका यहाँ एचएम किदार है, शिकायत भी किए हैं। देखिए, अभी पूरे प्रखंड सिंगिया प्रखंड के अंदर जो भी स्कूल है, सारा का स्थिति दयनीय है। कोई शिक्षक टाइम से नहीं जाता है, ना एचएम रहता है, यानी शिक्षा साफ चौपट कर दिया है। मध्याह्न भोजन में भी गड़बड़ी पाया जाता है। हाँ, वो सब तो पूरा गमन होता है ना, समाज एक दूसरे को नहीं चाहता है, आना उस पर गाइडिंग करता है। सरकार से क्या लें, आपकी सरकार है, आप पदाधिकारी। विशेषता हम यही कहेंगे, हमारे मुख्य सचिव शिक्षा के जो के पाठक जी माननीय हैं, अगर वो सिंगिया प्रखंड में आ जाते हैं तो हमारी सरकार की बदनामी नहीं होगी। अभी ऐसा है कि मेरी सरकार का जो है बदनामी हो रही है। अगर के पाठक जी अगर सिंगिया प्रखंड में आते हैं तो शिक्षा सुधर सकता है। आप लोग का आगमन चाहते हैं, अगर आ जाते हैं तो शिक्षा सुधर सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरीब मांझी है। कौन से पार्टी से? हम राजद प्रखंड अध्यक्ष हैं।